नमो नमः। आज हम सुखनासोपदेश का आगे का भाग पढ़ेंगे। पूर्व में हमने लक्ष्मी के अनेक गुणों के बारे में पढ़ा, जो उन्होंने अपने जो सहचारी थे या सह निवास करने वाले समुद्र में, उच्चे शवा नामक अश्व है, कालकूट नामक विष है और कौस्तुमणि आदि से ग्रहण किए थे। अब इस लक्ष्मी के बारे में कहा गया है कि इसको रोकना अत्यंत कठिन है। क्यों? क्योंकि ये पूर्व में हमने एक पंक्ति पढ़ ली थी कि उद्नाम भट्ट सहस्र उल्लसिता असी लता पंजर विद्रिता अपि अपक्रामति, यानी गर्व से बड़े हुए जो भट्ट है, यानी योद्धाओं द्वारा चमकाई हुई पतली लंबी तलवारों के पिंजरे में बंद की गई भी भाग जाती है। अब इसी का आगे विस्तार है। मद जल दुर्दिन अंधकार गज घटित घन घटा परिपालिता अपि प्रपालयत प्रपलायते। तो का मद जल दुर्दिन अंधकार गज घटित घन घटा परिपालिता अपि प्रपलायते प्रपलायते, यानी चली जाती है। कैसे चली जाती है, किस प्रकार से परिपालिता अपि किस प्रकार से रक्षा की जाती हुई भी चली जाती है कि हाथियों की अनेक पंक्तियों द्वारा रक्षा की जाती हुई भी पार हो जाती है, वहाँ से पलायन कर जाती है। अब कैसे हाथी हैं, कोई वृद्ध या ऐसे हाथी नहीं हैं। मद जल को बहाने वाले, इतना मद जल बहाने वाले हैं कि उससे दुर्दिन अंधकार गज घटित घन घटा, यानी दुर्दिन कहते हैं वर्षा के दिन को, जब बादलों से संपूर्ण अंधकार हो जाता है तो वह दुर्दिन कहलाता है। तो मद जल से उत्पन्न दुर्दिन, मद जल हाथियों की ललाट से या कनपटी से उत्पन्न होने वाला एक काले रंग का जल है, तो उस जल से जो दुर्दिन यानी जो कालापन उत्पन्न होता है, ऐसे हाथियों से घटित उत्पन्न घन घटा घन रूपी घटा मेघ रूपी घटा से परिपालिता भी प्रपलायते, वहाँ से भाग जाती है, पलायन कर जाती है। तात्पर्य यह है कि ये जो लक्ष्मी है वो सुदृढ़ या समर्थ राजा है, इतना समर्थ राजा कि जिसके अनेक हाथी जिसके आंगन में हो, इन हाथियों की अनेक पंक्तियों से गिरी हुई भी रक्षा की जाती हुई भी प्रपलायते भाग जाती हैं, पलायन कर जाती हैं। अब आगे कि लक्ष्मी किस किस का सम्मान करती है, किस किस का सम्मान नहीं करती है, तो देखिए कि यह लक्ष्मी किस किस को नगण्य मानती है। तो देखिए, न परिचयम रक्षति, परिचय की रक्षा नहीं करती है। अब एक तरह से माला अलंकार है यहाँ पे ना, एक ही बात को सिद्ध करने के लिए अनेक वाक्य कहे गए हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं। तो न परिचयम रक्षति, परिचय की रक्षा नहीं करती। वो ये नहीं सोचती कि मैं इतने पीढ़ियों से इनके यहाँ रह रही हूँ और वो एक क्षण में ही उनको छोड़ करके त्याग करके चली जाती है। न अभिजनम इक्षते, अभिजन कहते हैं कुल को, कुल की परंपरा को भी वो नहीं गिनती है कि किस कुल किसी के कुल में कई पीढ़ियों से जो लक्ष्मी वास कर रही है वह भी अचानक उनको त्याग करके चली जाती है, कुल का ध्यान नहीं रखती। न रूपम आलोकयते, किसी के सौंदर्य को भी वो नहीं देखती कि ये सुंदर व्यक्ति है तो उसके पास मैं रहूं। न कुल क्रमम अनुवर्तते, न ही कुल क्रम को देखती है कि भई ये कुल कितना अच्छा है, कितना सुदृढ़ है, कितना दानी है, कितना ज्ञानी है, उस कुल क्रम को भी नहीं देखती है और उसको त्याग कर चली जाती है। न शीलम पश्यति, न ही सदाचरण को देखती है, सदाचरण सच्चरित्र वाले व्यक्ति को भी छोड़कर चली जाती है। न वैदग्ध्यम गणयति,
न ही वैदग्ध्यम, वैदग्ध्यम यानी विदग्धता का भाव, यानी पांडित्य को भी नहीं देखती। कोई पंडित व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, उसको भी न गणयति, कुछ भी नहीं मानती, उसको भी छोड़कर चली जाती। न श्रुतम आकर्णयति, किस कोई अच्छा शास्त्र का ज्ञाता व्यक्ति उसको भी त्याग देती है। न धर्मम अनुरुध्यते, न ही धर्म का अनुसरण करने वाले के पास रुकती है। ये नहीं देखती कि ये व्यक्ति धार्मिक है या अधार्मिक है, वो धार्मिक व्यक्ति को भी छोड़ कर के चली जाती है। न त्यागम आद्रियते, न त्यागम आद्रियते, त्याग की, त्याग का सम्मान भी नहीं करती कि ये कितना त्याग करने वाला व्यक्ति है उसका सम्मान करे। न विशेषज्ञताम विचारयति, विशेषज्ञता यानी विशिष्ट ज्ञान को भी नहीं गिनती है। किसी व्यक्ति का जो विशेष ज्ञान है उसका भी सम्मान नहीं करती और उसको त्याग देती है। आचारम न पालयति, अच्छे आचरण का सम्मान नहीं करती है और पालयति त्याग देती है। न सत्यम अनुबुध्यते, सत्य को भी कुछ नहीं समझती है। न लक्षणम प्रमाणी करोती, और न ही लक्षणों का सम्मान करती है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के हाथ की जो रेखाएं हैं या समुद्र शास्त्र होता है, जो अनेक चिन्हों के कारण उस व्यक्ति को पराक्रमी या धनी या राज्य लक्ष्मी से युक्त मानती है, मानता है, लेकिन वह उन लक्षणों से संपन्न व्यक्ति को भी क्षण भर में त्याग देती है और बिना लक्षणों वाले व्यक्ति के पास चली जाती है। यहाँ एक बार हम पुनः विचार करते हैं सारे पंक्तियों पर, तो देखिए कि जो मेघा छन्ने अन्नी दुर्दिनम, अमर कोश में कहा गया है मेघ से आछन्न अन्नी यानी दिन दुर्दिन कहलाता है। तो यहाँ पर भी जो है मेघ से ढके हुए दिन को ही दुर्दिन यह अर्थ निकलेगा, क्योंकि हाथियों के मस्तक से मद जल रिसता रहता है या चूता रहता है, तो वो वर्षा ही है उस मद जल की। अब यहाँ देखिए परिपालिता में परितः पालिता, परि उपसर्ग है, पाल धातु है, णिच प्रत्यय है और क्त प्रत्यय है। अब प्रपलायते भाग जाती है, अर्थात राज्य लक्ष्मी की रक्षा हेतु भारी गज सेना होने पर भी वह दूसरे के पास चली जाती है। परिचयम शब्द मना है, परि उपसर्ग है, ची धातु है, अप प्रत्यय है, और किसी से जान पहचान, परिचय यानी किसी से पहचान होना। अभिजन्म अभि उपसर्ग है, जन धातु है और गय प्रत्यय है। अब देखिए आगे विदग्धम वैदग्ध्यम, विदग्धस्य भावः इति वैदग्ध्यम, विदग्ध प्लस च प्रत्यय है। और फिर देखिए श्रुतम, श्रु धातु है और त प्रत्यय है, भाव अर्थ में, जिसका अर्थ मैंने बतलाया था शास्त्र ज्ञान। अब विशेषज्ञ का अर्थ देखिए, विशेष प्लस ज्ञा प्लस क प्रत्यय है, विशेष पूर्व पद है, ज्ञा धातु है और क प्रत्यय है। यहाँ पर विशेषम जानाति इति विशेषज्ञ, तस्य भावः विशेषज्ञता, यहाँ पे विशेषज्ञता में विशेषज्ञ प्लस तल प्रत्यय और टाप प्रत्यय है, विशेषज्ञता का भाव दर्शाने के लिए। अब अनेक कवियों ने भी इस प्रकार से ही लक्ष्मी की निंदा की है, लेकिन वो हम यहाँ नहीं देखेंगे, लेकिन अनेक कवियों द्वारा इस प्रकार से निंदा की गई है कवियों की लक्ष्मी की। अब आगे देखिए, अब आगे लक्ष्मी की ही और विशेषताएं बतलाते हैं कि वो किस प्रकार का आचरण करती है। तो देखो, गंधर्व नगर लेखा एव पश्यत एव नश्यति, गंधर्व नगर कहते हैं इंद्रधनुष को या जादूगर को गंधर्व कहते हैं, है ना, तो जादूगरी को, तो गंधर्व नगर यानी जो होता नहीं है लेकिन दिखाई देता है फिर गायब हो जाता है। तो गंधर्व नगर लेखा एव, जैसे
गंधर्व नगर की जो रेखा है उसी प्रकार से पश्यत एव नश्यति, कोई व्यक्ति के पास तो धन आता है और वो समझ पाता है कि मेरे पास लक्ष्मी आई है, उससे पहले ही वो नष्ट हो जाती है। और क्या करती, अध्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कार एव परिभ्रमति। तो अध्यापि, जैसे जो पौराणिक कथा है कि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन में जो मंथन किया गया था, आलोडन किया गया था समुद्र का, तो उससे उत्पन्न हुई थी। तो उससे एक, जब हम जल का मंथन करते हैं तो उसमें एक भंवर पैदा होता है, यानी वो घूमता है जल वहाँ पर। तो वैसा जो आरूढ़ मंदर पर्वत और जो मंथन के लिए जो पर्वत था या बीच में जो मथनी थी वो मंदार पर्वत था। तो मानो कि आद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति ही जनित, कि आज भी वो उस भ्रांति से युक्त है कि मैं उस मंदार पर्वत से उत्पन्न जो भंवर है, जो जल का गोला है, जो घूमने वाला है, उससे आवर्त में फंसी हुई हूँ। इसलिए जनित संस्कार है, उस स्मृति के कारण, उस संस्कार के कारण परिभ्रमति, वो आज भी घूमती रहती, किसी भी स्थान पर स्थायी रूप से टिकती नहीं है। देख, कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटकेव न क्वचिदपि निर्भरम मा बदनाति पदम। तो कमलिनी संचरण, कमलिनी या जो ये समुद्र से या क्षीर सागर में रहती है विष्णु के साथ में, तो वहाँ पे कमल रहते हैं अनेक, और कमल पे इसका निवास स्थान भी माना गया है। तो कमल पे कमल आसन है लक्ष्मी जी का, तो इसलिए कमलिनी संचरण, कमलिनियों पर निवास करने के कारण, संचरण करने के व्यतिकर यानी संबंध से लग्न नलिन नाल कंटके, मान लो कि कमलिनियों पर चलने से उसके पैरों पर कमल नाल का कंटकम, नलिनी कहते हैं कमल को, तो नलिन नाल यानी कमल नाल के कंटक एव, काटा उसके पैरों में चुभा हुआ हो, तो इसलिए न क्वचित पि कभी भी निर्भरम आ बदनाती पदम, वो कभी भी निर्भर होकर निश्चिंत होकर के पैर नहीं रखती, यानी एक स्थान पर स्थिर होकर के नहीं टिकती है। हम देखते हैं कि लोक में भी अगर हमारे पैर में काटा चुभ जाए तो हमारा पैर निर्भर होकर या उस भूमि पर नहीं टिकता है, वो थोड़ा ऊपर ही रहता है। तो इसी प्रकार से मानो यह जो लक्ष्मी है, इसके पैर में उन कमल नाल का काटा चुभा हुआ है, जिसके कारण वो निर्भर होकर अपने चरण नहीं रखती है। और अति प्रयत्न विधृता अपि परमेश्वर ग्रहेशु विविध गंध गजगंड मधुपान मत्तेव परिस्खलति, यानी अति प्रयत्न पूर्वक विधृता भी धारण की गई भी, रक्षा की गई भी, कहाँ पे, सामान्य मनुष्य के या नहीं, परमेश्वर ग्रहेशु, बड़े बड़े समर्थ राजाओं के घर में भी। और कैसा कैसे राजा, विविध गंध गज यहाँ पर ऐसी रक्षा की गई भी, मानो कि विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव, विविध हाथियों के गंड स्थल से निकलने वाले जो मद जल है उसके मधुपान मत्ता एव, उस मधुरस के पान से मानो मत्ता एव मदमस्त होती हुई परिस्खलती, वहाँ से स्खलित हो जाती है, यानी जब मधुपान किया हुआ व्यक्ति एक स्थान पर नहीं टिकता, लड़खड़ाता रहता है, तो ऐसे ही वह लड़खड़ाती हुई परिस्खलती निकल जाती है। अब यहाँ देखिए, गंधर्वाणाम नगरम तस्य लेखा गंधर्व नगर लेखा इव पश्यतः, गंधर्व नगर लेखा इव पश्यत एव नश्यति, देखते ही नष्ट हो जाती। गंधर्व नगर मृग तृष्णा की तरह एक ब्रह्मात्मक प्राकृतिक दृश्य है, जिसको हम इंद्रधनुष भी
कहते हैं, जो क्षणिक रहता है कुछ देर में ही नष्ट हो जाता है। शास्त्रकारों ने इसे पुच्छल थारे की तरह भी अशुभ चिन्ह माना है। लक्ष्मी को भी गंधर्व रेखा के सादृश्य बताया गया है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। आरूढ़ में देखिए आ उपसर्ग है, रूह धातु रिक्ता प्रत्यय है और मंदर परिवर्त, मंदर से परिवर्त है इति मंदर परिवर्त है ना। आवर्त में देखिए आ उपसर्ग है, वृत्त धातु है और गए प्रत्यय है। देखिए कि जो लक्ष्मी है वह भी भ्रमर के समान है, भ्रमर के समान ही स्थाई नहीं रहती। जैसे भ्रमर एक कमल से दूसरे कमल पर डोलता रहता है, वैसे ही यह लक्ष्मी भी संचरण करती रहती है। मैंने पूर्व में बता ही दिया था कि समुद्र मंथन के समय मंदराचल के घूमने से जल में एक भंवर उत्पन्न हुआ था। लक्ष्मी उस भंवर के भीतर ही उत्पन्न बाहर निकली थी, तो मानो उस घूमने के संस्कार को वो आज भी धारण किए गए हैं, किए हुए हैं। इसलिए जिस पुरुष के पास चली जाती है वहाँ टिकती नहीं है, इसलिए यहाँ पे घूमते रहने के संस्कार की कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। और आगे भी कमलिनी की नाल के कांटे के चुभने की कल्पना की गई है अगली पंक्ति में, इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। आज इतना ही रखेंगे, आगे का कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।